आए दिन लोग साइबर ठगी के शिकार होते हैं, तो किस तरीके से जीआरपी के द्वारा बताया ये जा रहा था कि लगातार चेकिंग की जा रही थी। तो जब हम आज रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वाकई में यहां पर आकर हमने देखा कि रेलवे स्टेशन पर जो है जीआरपी के द्वारा एक चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें स्पेशल अभियान के दौरान जो है लोगों को किस तरीके से ठगी के लोग शिकार हो जाते हैं, किस तरीके से फ्रॉड कॉल आती है, और फ्रॉड कॉल आने के बाद जो है लोग अक्सर जो है ओटीपी शेयर कर देते हैं या आधार कार्ड नंबर शेयर कर देते हैं ताकि उनके बैंक अकाउंट से लिंक किया जा सके। इस तरीके की फ्रॉड कॉल आती है और उसके बाद जो है बैंक अकाउंट का सभी बैलेंस जो है खत्म हो जाता है, जिसके बाद जो है विलायती सैनी जो कि यहां पर थाना प्रभारी है उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। जीआरपी के देख सकते हैं तमाम लोग जो है यहां पर जीआरपी के जो पुलिस है वो किस तरीके से लोगों को जागरूक करते हुए नजर जरूर आ रही है। आप सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहा है शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। आइए बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहने विलायती सैनी का, तमाम लोगों की तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से विलायती सैनी जो है थाना इंचार्ज है वो लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं जिस तरीके से आए दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है और साइबर क्राइम की बात की जाए तो कॉल्स आती है और कॉल्स आने के बाद जो है लोगों से पैसे ठगे जाते हैं। इस तरीके के मामलों को लेकर जो है आज जीआरपी की बात की जाए तो जीआरपी पुलिस जो है प्रभारी यहां पर पहुंचे हैं विलायती सैनी, वो उनकी अपनी टीम के द्वारा जो है किस तरीके से आम लोगों को जानकारी देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जो भी इस खबर को देख रहा है शेयर कीजिएगा। हरियाणा के जिला यमुनानगर से इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं, रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं यमुनानगर जगाधरी पर, किस तरीके से तमाम आने जाने वाले यात्रियों को है समझाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के जिला यमुनानगर के जीआरपी की तस्वीरें दिखा रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर जीआरपीएफ के जो है किस तरीके से अगुवाई में बता दे कि जीआरपी के जो है इंचार्ज हैं विलायती सैनी और साथ ही साथ तमाम उनकी पुलिस की टीम लगातार जो है लोगों को समझाने का जरूर प्रयास कर रही है और जागरूक किया जा रहा है कि कोई भी इस तरीके के साइबर क्राइम का जो है शिकार ना हो सके। जो इस खबर को देख रहा है जगह आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज के माध्यम से बातचीत करेंगे विलायती सैनी जिसे, क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर जो है आने जाने वाले यात्रियों को आप लोग समझा रहे हैं, सर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं आप इन्हें यहाँ पर? आज ही हमने स्पेशली साइबर अवेयरनेस कैंपेन चलाया, अब सुबह से और 4-5 बजे तक आने जाने वाले यात्रियों को जितने भी इकट्ठे होते हैं उनको रोक के साइबर के बारे में अवेयर कर रहा है, कैसे फ्रॉड होता है और उससे कैसे बचा जाता है। तो हमने इनको बताया है कि एक तो अपने मोबाइल में अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड ये सेव ना रखो, और यदि ओटीपी के लिए कोई ओटीपी आता है उसको शेयर ना करो, और कई बार आता है भाई आपका जो आधार अकाउंट से लिंक करना है फ्रॉड कॉल आती है, अभी हम बैंक से बोल रहे तो ऐसी फ्रॉड कॉल से ही बचा जाए, और फिर भी यदि किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो 1930 1930 पे तुरंत कॉल करें, तो यदि किसी के साथ फ्रॉड हो भी गया तो उसका जो पैसा है तो वापस में रिटर्न हो जाता है वापस का। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, समय समय पर इस प्रकार के अभियान जो रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा चलाए जाते हैं? हाँ, ये ऐसे हमारे अपना एडीजीपी क्राइम डीजी साहब की तरफ से ये पूरा मंथ साइबर अवेयरनेस के लिए नॉमिनेट किया है, और इसमें टाइम टू टाइम वीकली वीक में 2 बार कम से कम पब्लिक को आने जाने वाली को तो साइबर क्राइम और फ्रॉड से अवेयर किया जा रहा है जीआरपी द्वारा। तो देख सकते हैं कि ये थे विलायती सैनी जो कि जीआरपी के इंचार्ज हैं, तमाम लोगों को जागरूक किया जा रहा है क्योंकि आए दिन जो है क्राइम इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, साइबर क्राइम की बात की जाए तो आए दिन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जो है तमाम आने जाने वाले यात्रियों को भी समझाया जा रहा है। आप सभी से अपील, जो इस खबर को देख रहा है शेयर जो रेलवे स्टेशन की तस्वीरें जो है दिखाने का प्रयास करें। आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़, मैं हूँ यमुनानगर से नीरज।